कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोंडागांव की युवती के साथ मुंबई में हैवानियत का मामला सामने आया है। कोंडागांव जिले की युवती से यहां पर मुंबई में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने युवती के प्राइवेट पार्ट में यहां पर केमिकल डाला है, डेढ़ साल तक मुंबई में बंधक बनाकर रखा और इस वारदात को अंजाम दिया है। मौका मिलते ही यहां से, आपको बता दें, मुंबई से वापस युवती आई है। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम जुट चुकी है, जहां माकड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौका मिलते ही मुंबई से वापस युवती पहुंची है। कोंडागांव की युवती के साथ मुंबई में हैवानियत हुई है, जहां कोंडागांव जिले की युवती से मुंबई में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एग्जामिन करने के बाद हमको मिला कि उनके प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजरीज थे। अभी उनका स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर है और उनका इलाज चल रहा है, जो भी जरूरत की दवाइयां हैं वो सब चल रही है। अभी वो कॉन्शियस है, ठीक है, अभी बात कर रही है। माकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और ये एक वर्ष पूर्व, लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व, पीड़िता और जो आरोपी है उसके मन से प्रेम संबंध हुआ था और उसको झांसा देकर शादी करने का के बहाने उसे भगा के वो मुंबई लेके चले गया था, जो लगभग एक साल सवा साल तक उसके साथ में थी और उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा। और वहाँ पे लड़की भाग कर आई है तो हमारे संपर्क में आने पे उस आरोपी के खिलाफ में हमारे द्वारा उसमें अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की स्थिति भी बहुत अच्छी है और उसका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है और हमारा संपर्क लगातार परिवार के साथ में है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुलजोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। कुलजोत, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम और अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया है मामला, पुलिस के द्वारा तत्काल टीम गठित कर बॉम्बे रवाना कर दी गई है और जो आरोपी है उसको पकड़ने की तैयारी की जा रही है। और वहीं जो पीड़िता से चर्चा के दौरान पीड़िता ने बताया है कि उसको एक धारावाहिक के जो कमरे में बॉम्बे के बंद करके रखता था, जहां खिड़की भी नहीं थी और वो जो युवक है वो फैक्ट्री में काम करता था और उसको बंद कर चला जाता था और रोशनी भी नहीं आने देता था और हाथ पांव बांध कर उसको रखता था। ये लगभग एक से डेढ़ साल तक उस युवती को रखता था और साथ ही युवक के द्वारा फोन से युवती का आपस में दोनों पर युवक और युवती का संपर्क हुआ था और फोन के माध्यम से ही युवती घर से निकल कर गई थी। जी जी, पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रहा है? पुलिस की देखें तो पुलिस ने टीम गठित कर दी है और टीम को रवाना कर दिया गया है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा, ऐसे पुलिस के द्वारा विज्ञप्ति दी जा रही है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।